अलवर न्यूज़ के रिपोर्टर त्रिलोक शर्मा ने राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और अपनी बेबाक बातों से चर्चा में रहने वाले भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा से विशेष बातचीत की। बातचीत को वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश शर्मा ने अपने कैमरे में कैद किया। बातचीत में पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने कहा कि पार्टी के नोटिस का जवाब बिंदुवार दिया जाएगा। जो भी बयान दिए हैं वह पार्टी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए दिए गए थे। राजस्थान में वसुंधरा राजे को नेता मानने के सवाल पर डॉक्टर रोहिताश्व ने बताया कि राजस्थान में वसुंधरा राजे जनता की प्रिय नेता है। 10 में से 9 लोग आज भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ही पसंद करते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही 2 बार बहुमत से सरकार बनाई थी और वर्तमान में वसुंधरा राजे में जनता का जो विश्वास है उनके मुकाबले कोई नेता में नहीं है। पार्टी के नेताओं से नाराजगी के बारे में डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने बताया कि कोरोना के दौरान किसी भी बड़े लीडर ने दौरा नहीं किया। राजस्थान से केंद्र में 3 मंत्री होने के बावजूद एक बार भी अलवर जिले में आकर नहीं झांका। भाजपा के बड़े लीडरों को अलवर जिले की भी सुध लेनी चाहिए थी। डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने आगामी चुनाव में मैदान में उतरने के सवाल पर कहा कि अगर पार्टी मौका देगी तो वह अवश्य चुनाव लड़ेंगे। तो किस तरीके से देखिए, पार्टी ने जो नोटिस दिया है, कल तक मेरे मन में संशय थी कि भाई ये लेटर गलत है, महामंत्री के हस्ताक्षरों से आया था, उस पर कोई निर्देशित शब्द नहीं था, कोई उसमें ऐसी भाषा नहीं थी कि जैसे लगे कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लेटर जारी हुआ है या अनुशासन समिति की अनुमति से या संगठन महामंत्री, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था। तो मैं कल तक ये सोच रहा था कि लेटर बोगस हो सकता है, लेकिन आज रात को मैंने अध्यक्ष जी को सुना है टीवी पर बोलते हुए कि भाई ये जो इस्तीफा जो नोटिस दिया मेरे संज्ञान में है, तो बात खत्म होगी। तो मैं अब मेरे को मिलने की बजाय अब मैं नोटिस का बिंदुवार जवाब दूंगा। जो भी नोटिस पर एलिगेशन लगे मैं उनका जवाब दूंगा। देखिए, ये विषय आपने जो मुझसे पूछा है ये तो भविष्य का विषय है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं ये मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं कि वर्तमान में जो वसुंधरा जी का व्यक्तित्व है, जो वसुंधरा जी का अनुभव है, जो वसुंधरा जी में जनता जो विश्वास करती है, उनके मुकाबले का ऐसा और कोई नेता आज की तारीख में नहीं है। तो सर, किस तरीके से पार्टी को ज्यादा और आम लोगों को जोड़ने, आम लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए भी भाजपा शायद इस तरीके को ज्यादा आंदोलन नहीं कर रही है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये बात विद इन पार्टी फोरम में होनी थी, तो मैंने पार्टी की वर्चुअल मीटिंग में मैंने ये बात कही थी कि भाई अलवर जिला को कार्यकर्ताओं के भरोसे इन्होंने छोड़ दिया। कार्यकर्ता नियत थे ना, तो उनके पास इतने बड़े को रुपए टक्के की पैसे की बात थी जो जनता की, जो पीड़ित पक्ष की मदद कर सके। बेचारे भागते रहे, दौड़ते रहे, आज CMHO कहना माने नहीं, कलेक्टर कहना माने नहीं, SP कहना माने नहीं, अस्पतालों के डॉक्टर कहना माने नहीं, कोई व्यवस्था कैसे। तो केंद्र से कोई ना कोई आना चाहिए था। 3-3 मंत्री हमारे केंद्र में है, उनमें से कोई अलवर जिले का दौरा नहीं किया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी दौरा नहीं किया। सब लोग बेचारे कार्यकर्ता लगे रहे, कार्यकर्ताओं का बेचारों का कोई दोष नहीं है, पर नियत थे। उनको जितनी बड़ी सामग्री दिल्ली से आई थी, पार्टी हाईकमान ने भी मदद की थी, सबने की थी। दिल्ली से कोई कोर कसर नहीं हुई। दिल्ली ने, नरेंद्र भाई मोदी ने, पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष ने यहाँ खूब सहायता के लिए राजस्थान BJP को पूरी सहायता की। अब ये लोग अपना पराया करने लग गए। मेरे दुख ये था, मेरा दर्द ये था, लोग मर रहे थे, किसी को बेड नहीं मिली, किसी को इंजेक्शन नहीं मिला, किसी को ये अपने एम्बुलेंस नहीं मिली, किसी को कोई वो था ही नहीं यहाँ पर। ऐसी सूरत में मैं थोड़ा सा के उद्वलित तो हो गया और फिर मैंने ये पार्टी फोरम में कहा, पार्टी फोरम से बाहर नहीं कहा। इन लोगों ने मेरी लीक करी, जो लोग पार्टी में उस दिन वर्चुअल मीटिंग में थे, इन लोगों ने बाहर कहा कि मैंने ऐसा कहा, मैंने गाली गलौज किया, ऐसा किया। जब ये बात लीक होगी तो मैंने बाहर भी स्टेटमेंट दिया। जब बात खुद ही लीक कर रहे, अभी मुझे नोटिस दिया, नोटिस सीक्रेट होता है और नोटिस बुलाने से पहले सामान्य कटसी निभानी चाहिए थी। अध्यक्ष जी को मुझे बुला के बात करते, फोन से बात कर लेते, मेरी शक्ल से उनको नफरत थी तो दूरभाष से बात कर लेते।
सर भविष्य में मुझे नोटिस भेज दिया। आगामी जो चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी, कौन सी सीट से आपका ज्यादा वो रहेगा, जबकि आप एक अच्छे प्रभावशाली भाजपा में भी लीडर रहे हैं और आपकी काफी लोगों का मैं चुनाव लड़ूंगा, ये तो 2 वर्ष आगे की बात है जी। लेकिन मैं राजनीतिक हूँ और राजनीति में मौका मिला तो चुनाव भी लड़ूंगा, सब कुछ करूंगा। धन्यवाद।